भैया दिल्ली में कौन आ रहा है इस बार? मैं तो बाहर से हूँ, लखनऊ से हूँ, लेकिन दिल्ली की पोजीशन मैं 2.5 साल से हूँ, ऑफिस नौकरी में। लेकिन अभी कब से हम तो 2.5 साल से दिल्ली में। कैसा लग रहा है? बहुत गंदा शहर। बढ़िया शहर बताते हैं दिल्ली को। बढ़िया शहर में तो आंध्रा हैदराबाद है, बॉम्बे है, कलकत्ता भी अच्छा है, लोग कहते हैं बुरा, बहुत अच्छा, साफ साफ तो। लेकिन दिल्ली गंदगी, बहुत गंदगी, बहुत चोरी डकैती, खुलेआम डकैती, चाकू मारते हैं। मतलब दिमाग, कोई शासन यहाँ टाइट नहीं, कोई सरकार यहाँ है नहीं, सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, सब चोर हैं, डकैत हैं, सब एक दूसरे को टोपी का मतलब समझ गए आप, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चोर डकैत नहीं, अच्छे नेता बताते हैं अपने आप को, समझदार नेता बताते हैं। जहाँ तक एक मिनट, हमें जो जानकारियाँ हैं, यहाँ की जो डिस्पेंसरी खुली है, आप एक बार वहाँ विजिट कर लें, देख लें वहाँ दवाइयाँ कब की। मैम, दो दो साल पुरानी दवाइयाँ हैं, जो है मोहल्ला सुधार, जो मुझे पता नहीं, हम तो जानते, लेकिन जो मैं आता है बेकार है, बहुत कंडम स्थिति बड़ी ख़राब है, और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लखनऊ से आए हैं, यूपी में क्या देखा और दिल्ली में क्या देखने को मिला? यूपी में मुलायम सिंह के हमारे लखनऊ में तो शासन बहुत ही लोगों ने किया है, सबसे गंदा शासन था मुलायम सिंह का, बहुत गंदा शासन, उससे तो अच्छा था मायावती का, लेकिन अब शासन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सभ्यता बोलते हो, जो ही बोलिए आप, पाषाण काल पर जाइए, आज के काल में आइए, बहुत माहौल अच्छा है, बहुत के सीएम और यहाँ के सीएम में क्या बहुत चोर सा सीएम, यहाँ के सीएम का महाचोर, ये जो जिसको अपने खाने को ये कहता है, अब्दुल्ला से बोलता है, अगर तुम्हें दिक्कत हो ये बताइए, अपनी थाली नहीं देख रहे हो तुम, अब्दुल्ला टांग क्यों उड़ा रहे हो कि अगर तुम्हें परेशानी हो शासन में चला के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे 10 साल का अनुभव है। कोई भी बच्चा माँ के पेट से नहीं सीख के आता, ऊपर आके सिखाना पड़ता है बच्चों को कि बच्चे ऐसे चलो, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ का शासन मैम बहुत गंदा है, जैसे आपके लखनऊ का शासन, यूपी का शासन बहुत बढ़िया है इस समय। अखिलेश के नाम पर लोग मुँह से ना बोलें लेकिन गाली लोग देते हैं, और यादव बात तो ख़त्म ही समझिए, वहाँ पर ये शासन नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ एक दूसरे का अपोजिट, वहाँ दो ही पार्टियाँ हैं, मायावती का तो काम खत्म हो चुका है, कोई वहाँ है नहीं, सारे और जो मोहम्मदन वोट हैं वो टोटल जाने हैं कांग्रेस, या इनको जाना है, और इनको चाहिए पैसा, हाँ, लालच बुरी वाला, और ठका ठक वाला दिल्ली में हो चुका है, लखनऊ में हो चुका है, तो ये सोचिए। यहाँ के जो सीएम है, आम आदमी पार्टी है, कह रही है इस बार भी आम आदमी पार्टी ही आ रही है, क्योंकि बीजेपी वालों का सफाया है, कारण वो आएगी, कारण मुझे पता है आएगी, यहाँ के लोगों को हराम की पक्का है, 100% यहाँ आम आदमी का सरकार बनेगी। लेकिन कारण उसमें क्या है कि लोगों की हराम की आदत पड़ चुकी है, जैसे बुरा ना मानिएगा मगर, जो छोटे आप समझ जाइएगा लोअर क्लास के लोग हैं, चावल फ्री में, राशन फ्री मिल रहा है, बस फ्री मिल रहा, पानी फ्री मिल रहा, बिजली फ्री मिल रहा, तो क्या चाहिए मैम, जीना है, हवा ऊपर वाला दे रहा है, तो क्या करना है, हरामी खाइए, आदत डालिए। सरकार आनी है केजरीवाल की आएगी, लेकिन कारण लोगों का हराम लग चुका है, और जो लोग हराम वाले वो मैं वोट देंगे पक्का, चाहे ठगाठग वाले हों, चाहे ठगाठग वाले हों, चाहे जो समझ लीजिए इस बारे में, जो मेरा अनुमान है, आना तो है, यहाँ तो आम पार्टी सरकार बननी है, कारण है तीन की लड़ाई में जो वोट काटेगा दो में केजरीवाल जीतेंगे, पक्का जीतेंगे केजरीवाल, कारण उसमें ना, देखिए जो आदमी फ्री का स्कीम, हाँ जो फ्री की स्कीम है, बस पानी बिजली स्कूल सब फ्री की चीज़ें हैं। जन लोकपाल बिल कब आ रहा है? 10 साल हो गए ना, जन लोकपाल बिल कब आ रहा है? अब जन लोकपाल भी जो लेके आ रहा था केजरीवाल साहब, वो कब आएगा अगर पता कर लो आप? लेकिन मैम, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इनको नहीं चाहता है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो केजरीवाल को नहीं चाहता है, वो चाहता है भले हमको 10 रुपये खर्च करना पड़े बस में, लेकिन हमें सुविधा मिले, हमें आराम मिले, ये फ्री की फोकट ठका ठक ठका नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, क्या बंद होनी चाहिए फ्री की? जरूर बंद हो, आदमी कहा ही लो गया, यहाँ तक कि बुरा ना माने, हमारे जो मोहम्मदन भाई की औरतें हैं, बुरा ना मानिएगा, उनको क्या है, राशन फ्री मिल रहा है, पानी फ्री, उनके बच्चे काम नहीं करने जाते, अब जो पढ़ा लिखा तबका है मोहम्मदन का काम कर रहा है, अब देख लीजिए सड़क पे, एक मिनट, जो सड़क देखिए कोई बच्चा छोटा वो गाड़ी साफ नहीं करता है, कोई कार नहीं साफ करता, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जानकारी है, लेकिन फ्री की सरकार है सर, जो दिल्ली में फ्री स्कीम चल रही है, नहीं, हम
महाराष्ट्र से, हमको नहीं पता। उससे बोलने में क्या दिक्कत है, हम तो लखनऊ से। मतलब क्या पूछ रहे हो? महाराष्ट्र से। हाँ भाई, स्कीम चल रही है ये बंद होनी चाहिए, सर का ऐसा कह रहे हैं। बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए कह रहे हैं? जनता का भला कर रहे हैं हम तो। नहीं, जनता का भला कर रहे हैं, इसमें जो न्यू जनरेशन जो बच्चे काम आई थी हो रहे हैं बच्चे, ये जो है उनको जनता का भला नहीं कर रहे, ये जनता को फंसा रहे। बच्चों को एजुकेशन फ्री दो, स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री दो, लेकिन आपको राशन पानी बिजली फ्री में देने के चक्कर में आप सबको आलसी बना रहे हो। लोग काम नहीं कर रहे, लोग काम से भाग रहे। हमारी आज का युवा केजरीवाल जी की वजह से पीछे जा रहा है, आलसी बन रहा है। हम केजरीवाल जी की वजह से पीछे जा रहे हैं हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने जो फ्री की स्कीम चला के रखी है उन्होंने सबको आलसी बना के रखा है। और हम वही बोल रहे हैं कि इन्होंने वो एजुकेशन फ्री देना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी फ्री देनी चाहिए। आप भले पानी फ्री दे दो, हर घर में पानी पहुँचा दो, लेकिन आप किसी को खाने की चीज़ें बिजली ये मुफ्त मत दो। ये मुफ्त दे रहे तो लोग वहाँ से भाग रहे। हम तो गरीबों का भला कर रहे हैं, जनता का भला कर रहे हैं। ये गरीबों का भला नहीं कर रहे, ये खाली सत्ता के लिए लोगों को लालच दे रहे, ये लालच दे रहे। अगर अगली बार अब जो चुनाव है उसमें फ्री का कुछ जादू काम आएगा या नहीं आएगा, या इस बार सफा नहीं? देखो, हम लोग जो है ये तो नहीं बोल पाएंगे कि केजरीवाल जी जो दे रहे वो क्या है और किस लिए, लेकिन हमको इतना पता है अगर केजरीवाल जी ने ये फ्री की स्कीम ऐसी चालू रखी तो केजरीवाल जो है यहाँ से आने वाले ये भगवान है, या दिल्ली के लिए भगवान है वो। पानी बिजली औरत के लिए सब कुछ फ्री है, और क्या चाहिए? भगवान बता रहे आईडी प्राइस सब फ्री में मिल जाता है ना, आईडी बन जाते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ मैम, अभी जहाँ तक जो मेरा अनुमान है, दिल्ली गवर्नमेंट पास 2 महीने की सैलरी देने के पैसे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 2 महीने बाद क्या करोगे? कटोरा लेके भीख मांगोगे? फ्री सबकी अगर सुविधा नहीं बंद करोगे से मैम, दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल के हाथ में बस में नहीं है तो क्या करेगा वो बेचारा, क्या करेगा वो? तो हाथ फैलाओगे, क्या करोगे? मर जाएगा। जो फ्री की स्कीम है भैया ये सही है? फ्री की स्कीम देखो सही है, वो पब्लिक की जो है ना, पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को रिटर्न किया जा रहा है। फ्री कोई नहीं है, ये हम लोगों को जो कहते हैं ना फ्री कुछ नहीं है, ये हमारा पैसा हम ही को दे। क्यों बोल रहे हैं कि बार बार कि ये सब फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है? ए भैया चुप रहो 2 मिनट। फ्री में मान सकता हूँ, ये सच, जो चीज़ फ्री दे रहे हैं ना ये हमारे ही पैसा रिटर्न कर रहे हैं, हमारे ही पैसे का रिटर्न दे रहे हैं, बड़े लोगों का नहीं है, ये सब हमारे ही है, जो टैक्स देते हैं उन्हीं पैसा ही है। एक मिनट, ये सब गरीबों का जो पैसा ये केजरीवाल बांट रहे हैं फ्री का, ये इनका नहीं है, गरीबों का। ये टैक्सेस जो आते हैं हमारे यहाँ, जो दुकानदार भाई हमारे GST देते हैं, CST देते हैं, जो टैक्स आता है उसी का पैसा ये इनको बांट रहे हैं। आपने मैम वो देखा नहीं,